नमस्कार, सत्रकाल आदाब। आपका अपना YouTube चैनल पैकिंग पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको उस पैकिंग मशीन के बारे में बता रहा हूँ जो बहुत ही हाई स्पीड पैकिंग मशीन होती है, जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए बेसिकली यूज होती है, जिसको बोलते हैं हम कोला टाइप पैकिंग मशीन। ये कोला टाइप पैकिंग मशीन है जिसे आप ले करके अपने बिजनेस को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इस मशीन में क्या है, इस चीज़ के बारे में आपको फुल जानकारी दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दो मशीन दिखा रहा हूँ। आपके पास ये दो मशीन है, पहला मशीन है और ये दूसरी मशीन है। आपको दोनों मशीन में अंतर अगर दिख रहा होगा तो आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ के बारे में आपको बेसिकली बताने वाला हूँ। तो ये आप देखिए फुल, ये आपका कोला टाइप पैकिंग मशीन है जो आप देख सकते हैं। क्वालिटी है आप देख सकते हैं, ये MS में बना हुआ है। इसकी जो फ्रेमिंग है या फिर आपका डिस्क जो भी है, कवरिंग है, ये कवरिंग आपको जो भी फूड ग्रेडेड होती है वो कवरिंग आपको SS में मिलेगी, SS 304 में। बाकी आपका जो भी आपका फ्रेमिंग सिस्टम वगैरह है ये आपको MS में मिलेगी। और इसके जो पैनल का जो डिज़ाइनिंग है ये भी आप देखिए, ये दूसरे टाइप का है। और इसमें लोग देखिए, आप जब मशीन लेते हैं तो आपको उस टाइम मालूम चलता है रेट पे, कि आप अगर किसी से इंक्वायरी कर रहे हैं तो पैकिंग मशीन का रेट काफ़ी लो भी जाता है और हाई भी जाता है। लेकिन लोगों को, कस्टमर को, आप लोगों को समझ नहीं आता है कि वो मशीन में एक्चुअली मिल क्या रहा है। तो वही चीज़ मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, कि देखिए ये कौन सी सिलेंडर लगाई जाती है, और बाकी आपका जो पंचिंग है, बाकी आपका फुल न्यूमेटिक में आपका सूट है, और ये जो आपका डिस्क सिस्टम है, ये सारे चीज़ में हल्की हल्की क्वालिटी थोड़ा सा डिस्क कर दिया जाता है, जिससे जो आपका कॉस्टिंग बजट होता है वो कम हो जाता है। अब मैं आता हूँ आपके दूसरे मशीन के पास। ये भी है आपके पास कोला टाइप पैकिंग मशीन। ये फुल्ली आपका जो मशीन है ये बेसिकली बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ मशीन है। तो ये फुल्ली SS 304 में, इसकी जो पैनल सिस्टम है या फिर आपका जो फ्रेमिंग सिस्टम है, ये पूरी तरह आपका 304 SS में बना हुआ है। मैं इसकी क्वालिटी आपको दिखाना चाहूँगा एक बार।
क्वालिटी आपको फर्क दिख गया होगा ये दोनों मशीन में। तो ये बेसिकली क्या है, ये 304 SS में बना हुआ है, इसकी कॉस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस मशीन में और उस मशीन में फ़र्क ये हो गया कि आपका जो मटेरियल यूज़ हुआ है ये बेस्ट क्वालिटी का यूज़ हुआ है, जिसमें आपको जंग रोधक है, ये जंग लगने की कोई संभावना नहीं है। इस मशीन में आप 10 ग्राम से लेकर के फ्रेम आइटम कुछ भी आप 100 ग्राम 200 ग्राम तक आसानी से पैक कर सकते हैं। और जो इसकी जो स्पीड आपको मिल जाती है वो 60 से 70 पाउच प्रति मिनट मिल जाती है। और दूसरी जो हमारे डिज़ाइन है ये आपका आधा किलो एक किलो में भी आपको मिल जाएगा, जैसे आप चूड़ा हो गया, दलिया हो गया, आपका फिर चीनी हो गया, चपत्ती हो गया, ये सब भी आइटम इसमें आप पैक कर सकते हैं। तो इन दोनों मशीन में आपको अंतर तो दिख गया होगा, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा मशीन लेना है। इस जो मशीन है इसकी प्राइस है आपको 3,20,000 रुपये, लेकिन इस मशीन की जो कॉस्टिंग है वो आपको 3,50,000 रुपये। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस मशीन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप इस MS में बनवा सकते हैं हमसे, और अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप हमसे SS में बनवा सकते हैं, जो बेस्ट क्वालिटी का मशीन है। तो आप हमारे इस चैनल में बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद, और लाइक एंड शेयर जरूर करें।